अभी अभी आई बहुत दुखद खबर, अचानक हो गए 500 लोग लापता। 24 घंटे से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। मच गया हड़कंप, लोगों में फैली दहशत। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में 500 शरणार्थियों से भरी एक नाव लापता हो गई है। इस नाव में एक नवजात और एक गर्भवती महिला भी मौजूद हैं। माइग्रेंट्स की नावों पर नजर रखने वाली इस संस्था अलार्म फोन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। संस्था के मुताबिक शरणार्थियों से उनकी नाव का आखिरी बार संपर्क बुधवार को हुआ। उस समय नाव लीबिया के बेगांजी पोर्ट से 320 और इटली से 400 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसका इंजन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वहीं इटली की इमरजेंसी एनजीओ ने बताया कि उनकी लाइफ सपोर्ट शिप शरणार्थियों की नाव को 24 घंटे से ढूंढ रही है, हालांकि उनका कोई पता नहीं चल पाया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इटली की कोस्ट गार्ड ने कल यानी गुरुवार को ही 2 अलग अलग ऑपरेशन चलाकर 1094 शरणार्थियों की जान बचाई है। ये लोग भी समुद्र में भटक गए थे। वहीं हिंसा वाली जगहों से शरणार्थियों का अपने देश छोड़कर यूरोप आना लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। इटली में नावों के जरिए अब तक 47,000 शरणार्थी आ चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 18,000 ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया से बचकर ग्रीस में पनाह लेने गए प्रवासियों को बोट में बैठाकर वापस भेज दिया। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे। हालांकि ग्रीस की सरकार ने इस आरोप पर कुछ भी कहने से इनकार किया। यूरोप में सीरिया और इराक से आने वाले लोगों की तादाद 2015 और 16 से काफी तेजी से बढ़ी, जिसके चलते वहां माइग्रेशन को लेकर बने नियम काफी सख्त कर दिए गए। ब्रिटेन में भी छोटी नाव में सवार होकर गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले साल 46,000 लोग बोट में सवार होकर इंग्लैंड पहुंचे थे। इनमें काफी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। साल 2022 में 233 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों ने गैरकानूनी तरीके से इंग्लिश चैनल को पार किया। वहीं 2023 में एक महीने में ही आंकड़ा 250 को पार कर